Hi guys, what's up and welcome back to again PR Editing Master. So today I will teach you how to edit your photos especially for Shivratri. So बहुत ही easy है, बहुत ही simple है, मैं आपको बहुत ही easy step में step by step सिखाऊंगा. So video बहुत ज़्यादा interesting यहाँ पे होने वाला है, जल्दी से आप इस video को like कर दीजिए and अगर आप channel पर नए हो तो subscribe भी कर दीजिए. So without wasting any more time, let's begin. ओके, इसमें आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आपको वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है. सबसे पहले आपको एक ऐसी फोटो शूट करवा लेनी कहीं पर भी बैठकर, एंड इसमें आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम वैसे भी इसका बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं. सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है स्किन को स्मूथ करना एंड सेकेंड इसके बैकग्राउंड को इरेज करना. सो सबसे पहले इस फोटो की स्किन को स्मूथ करते हैं, तो उसके लिए आपको इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है. सो आप चाहो तो यहाँ पर ऑटो स्केच टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हो एंड इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है. अभी के लिए मैं आपको जो सबसे इजी तरीका है उसमें दिखाता हूँ. सो सबसे पहले आपको इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देना है स्नैपसीड में. ओके, सो आ चुकी फोटो हमारी स्नैपसीड में एंड सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ से पेंसिल में एंड नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा लेंस ब्लर. सो इसमें आ जाना है, इस सर्कल को ऐसे पकड़ कर रखना है, सर्कल को यहाँ नीचे रख देना है एंड नीचे आना है एंड इसका विग्नेट जो है इसको कम कर देना है. एंड अगर आपकी स्किन में ज़्यादा पिंपल हो तो इसके अमाउंट को आपको थोड़ा सा हाई रखना है, 30 के अराउंड रख लेना है. सो अभी के लिए मैंने यहाँ पर 31 रख दिया, परफेक्ट है. एंड उसके बाद यहाँ से करते हैं डन एंड ऊपर आ जाना रिकोर में एंड यहाँ से व्यूज एडिट लेंस ब्लर एंड पेंसिल. ओके, अब आपको फोटो को जूम करना है एंड अब आपको यहाँ पर परफेक्टली अपनी स्किन को स्मूथ कर लेना है. जहाँ जहाँ पर पिंपल वगैरह हो या पिंपल ना भी हो तो आपको स्किन को स्मूथ तो कर ही लेना है. ओके, एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड देन आना है यहाँ से बैक. एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है एंड बैकग्राउंड इरेज करना बहुत ही इजी है. एंड अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो ये वाला वीडियो आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप वहाँ से सीख सकते हो. उससे पहले इस फोटो को यहाँ से सेव करते हैं. सो जस्ट आपको शेयर पर क्लिक करना है एंड ये फोटो आपकी सेव हो जाएगी गैलरी में. ओके, एंड उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट में. एंड इस बैकग्राउंड को मैंने खुद से ही क्रिएट किया एंड इसका जो नॉर्मल फोटो था वो ये था एंड इसमें ये रोग पीएनजी भी मैंने ही लगाया. उसके बाद आपको अपने मॉडल का पीएनजी ऐड कर लेना है जिसका कि आपने अभी बैकग्राउंड इरेज किया हो. ओके, सो आ चुका है एंड इसको यहाँ पर परफेक्टली लगा देना है. एंड इसको यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ से कर देना है डन एंड इसका जो शेडो बनाएंगे वो हम बनाएंगे ड्रॉ टूल में. सो डायरेक्टली यहाँ से आ जाना है ड्रॉ टूल में. ओके, सो आज की फोटो हमारी ड्रॉ टूल में एंड इसमें अभी करेंगे हम शेडो क्रिएट. उसके लिए आपको सबसे पहले इस एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट रखना है ब्लैक एंड इसके हार्डनेस को कर देना है कम. ब्रश पे क्लिक करना है, साइज को इसकी थोड़ी सी बढ़ा देना है एंड ओपेसिटी को थोड़ा सा कम रखना है. उसके बाद जस्ट आपको ऐसे शेडो बना लेना है इस फोटो का परफेक्टली. ओके, सो मैंने यहाँ पर परफेक्टली शेडो बना लिया एंड उसके बाद यहाँ से कर देना आपको डन. एंड अभी हम अपनी एक्स्ट्रा पीएनजी ऐड करते हैं एंड आई नो हम ड्रॉ टूल में भी ये चीज़ कर सकते थे बट बिगनर्स लोग के लिए ड्रॉ टूल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ लोग तो ड्रॉ टूल का नाम लेते ही बच जाते हैं. एंड उसके बाद आपको इस लेंस ब्लर पीएनजी को ऐड कर लेना एंड उसके बाद इसको यहाँ पर लगा देना है. आप जहाँ चाहो लगा सकते हो बट इसको मैंने अपनी फोटो में यहीं लगाया था एंड काफ़ी परफेक्ट भी लगा मेरे को. एंड उसके बाद इसका ब्लाइंड मोड आपको चेंज करके कर देना है स्क्रीन एंड ऊपर आ जाना है इरेजर में, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको इरेज कर लेना है इस टाइप से. एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड अगेन आ जाना है एड फोटो में एंड इन दोनों त्रिशूल पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है एंड एक पीएनजी को आपको यहाँ पर रख देना है एंड इसकी जो ओपेसिटी आपको कम ही रखनी है. सो अभी के लिए मैं यहाँ पर 10 रख देता हूँ, परफेक्ट है. एंड जो सेकेंड पीएनजी है इसको यहाँ पर साइड में लगाना है एंड इसकी ओपेसिटी कम नहीं करनी है, जितनी है उतनी रहने देनी है. यहाँ से आना इरेजर में, अच्छे से इरेज करना है हार्डनेस थोड़ी सी कम करके इस टाइप से एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड अगेन डन एंड अगेन आ जाना है ऐड फोटो में. एंड अभी आपको ऐड करना है तिलक का पीएनजी एंड इस वाले तिलक पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है एंड इसको मैंने अपनी फोटो में लगाया था, काफ़ी परफेक्ट पीएनजी है. एंड इसका जो ब्लाइंड मोड है वो आपको रखना है ओवरले. सो ये रहा ओवरले. ओवरले रखने के बाद इसकी ओपोसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है एंड उसके बाद यहाँ से करते हैं डन एंड अगेन आ जाना है ऐड फोटो में. ओके, सो आ चुका हमारा शेडो पीएनजी एंड इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखना है आपको
इस टाइप से एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रख देनी है एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड अगेन आ जाना है एड फोटो में एंड उसके बाद आपको इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर लगा देना है कोने में एकदम एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड अभी जस्ट हमारा एक लास्ट पीएनजी बन जाए उसको ऐड कर लेते हैं। ओके सो आ चुका हमारा लास्ट पीएनजी ओम नमः शिवाय वाला, इस पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है, टेक्स्ट पीएनजी है ये एंड यहाँ पर आप चाहो तो हैप्पी शिवरात्रि वाला टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैंने आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, हैप्पी शिवरात्रि ओम नमः शिवाय वाला ये तो है ही एंड उसके साथ ही बहुत सारे टेक्स्ट पीएनजी आपको जो अच्छा लगे उसे आप यूज़ कर सकते हो। सो इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया है एंड इसका ब्लाइंड मोड तो पहले से ये पीएनजी है तो इसका ब्लाइंड मोड आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो इसको यहाँ पर परफेक्टली लगा देना है एंड इसका थोड़ा सा पार्ट जो है इस वाले पीएनजी पर भी आना चाहिए। सो इसको यहाँ पर लगा दिया, परफेक्ट है एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड यहाँ पर आप चाहो तो अपना लोगो पीएनजी लगा सकते हो। तो मेरे पास अपना एक लोगो पीएनजी पड़ा है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ एड फोटो से। ओके सो ये आ चुका मेरा लोगो का पीएनजी एंड इसको मैं यहाँ पर ब्लैक पार्ट देखकर सेट कर देता हूँ। सो ये रहा थोड़ा सा ब्लैक पार्ट यहाँ पर लग रहा है, सो इसे यहाँ पर लगाते हैं इस रोक वाले पीएनजी के ऊपर। ओके सो मैंने यहाँ पर लोगो भी परफेक्टली लगा दिया एंड उसके बाद यहाँ से करते हैं डन एंड अभी हम इसमें थोड़ा सा ग्लो डालते हैं कपड़ों के ऊपर एंड फेस के ऊपर। सो उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ से टूल में एंड यहाँ से एडजस्ट में एंड इसका ब्राइटनेस जो है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ऊपर आ जाना है इरेजर में एंड इसकी हार्डनेस को इतना रख देना है। उसके बाद जस्ट इस टाइप से ड्रॉ करना है एंड उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको ग्लो देना हो वहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से करना है डन। ओके सो मैंने इसका अमाउंट जो है यहाँ पर 5 रख दिया एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है आपको डन। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में एंड इस फोटो को आपको सेव कर लेना है। सो फोटो को सेव कैसे करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद सेव इमेज। सो ये फोटो आपकी गैलरी में फुल एचडी में सेव हो जाएगी एंड उसके बाद इसी फोटो को आपको ओपन करना है लाइटरूम में एंड लाइटरूम में हम करेंगे इसमें कलर ग्रेडिंग। सो मैं जल्दी से लाइटरूम को ओपन कर लेता हूँ एंड इस फोटो को लाइटरूम में ऐड कर लेता हूँ। ओके सो आज की फोटो हमारी लाइट रूम है एंड अभी हम इसमें करेंगे कलर ग्रेडिंग जो कि बहुत ही इजी। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ से लाइट में, एक्सपोजर को जस्ट आपको थोड़ा सा कम कर देना है एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है एंड हाईलाइट को थोड़ा सा जस्ट बढ़ा लेना है एंड शेडो को थोड़ा सा माइनस एंड वाइट को बढ़ा के ब्लैक को थोड़ा सा प्लस। ओके सो लाइटिंग हमने यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट कर लिए। आगे आ जाना है कलर्स में एंड फोटो की व्यूरेंस बढ़ा लेनी है, टेम्प को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ऊपर आना मिक्स में एंड सबसे पहले जो रेड कलर मिलता है इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड इसके ह्यू को थोड़ा सा प्लस कर देना है। आगे आ जाना है ऑरेंज कलर में, सेचुरेशन थोड़ी सी माइनस करनी है एंड ह्यू को भी थोड़ा सा माइनस कर देना है, लुमिनेंस थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। आगे आ जाना है येलो कलर में एंड येलो कलर के ह्यू को आपको कर देना है एकदम माइनस एंड लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड आगे आ जाना है ग्रीन कलर में, इसकी सेचुरेशन बढ़ा देनी है एंड इसके ह्यू को कर देना एकदम प्लस। आगे आना है टील कलर में, टील कलर की सेचुरेशन आपको बढ़ा देनी है, इतना ही करना है एंड आगे आ जाना है ब्लू कलर में, ब्लू कलर के ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना है एंड लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड आगे आ जाना है पर्पल कलर में, इसकी सेचुरेशन को बढ़ा एंड इसके ह्यू को कर देना है एकदम कम। आगे आना है पिंक कलर में, इसकी भी सेचुरेशन बढ़ा देनी है एंड इसके भी ह्यू को कर देना है एकदम प्लस, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है, लुमिनेंस भी आप यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा सकते हो एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड आगे आ जाना है क्लियरिटी वाले ऑप्शन में एंड फोटो की थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लेनी है एंड विग्नेट को थोड़ा सा जस्ट माइनस कर देना है एंड आगे आ जाना है शार्पनेस वाले ऑप्शन में एंड फोटो की शार्पनेस आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फोटो की शार्पनेस को आपको अपने हिसाब से बढ़ाना है एंड इसके मेकिंग को जो है ना एक फिंगर से ऐसे पकड़ कर एंड एक फिंगर से ऐसे फुल कर देना है ताकि जो हमारा मॉडल है इस पर फुल डिटेल आ पाए एंड इसका जो डिटेल है इसे भी फुल कर देना है इस टाइप से एंड नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। सो अभी फोटो को जूम करके देखते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है। सो परफेक्ट है एंड बैक आना है कलर्स में एंड यहाँ से स्प्लिटिंग टोन में एंड हाईलाइट में आ जाना है डायरेक्टली एंड इसका जो हाईलाइट कलर है वो आपको रखना है टील। सो ये रहा टील एंड इसकी लुमिनेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं एंड इसके ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड बैलेंस को कर देना है थोड़ा सा माइनस। उसके बाद यहाँ से कर देना है डन एंड इसका जो टिंट है इसे थोड़ा सा आपको जस्ट बढ़ा लेना है
एंड उसके बाद आना है यहाँ से सेलेक्टिव टूल में, ग्रेडी टूल हम यहाँ पर नीचे से मारेंगे। सो आपको जस्ट प्लस पे क्लिक करना है एंड ये ग्रेडी टूल ले लेना है एंड इसको नीचे से मारना है एंड इसका एक्सपोजर आपको जस्ट थोड़ा सा कम कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से कर देना डन। सो जस्ट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। ह्यू है उसे थोड़ा सा और माइनस कर देना है एंड एकदम टील कलर कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन। सो फोटो हमारी यहाँ पर कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर एंड फोटो कितनी गजब की एडिट हमारी यहाँ पर हो चुकी है। सो अभी इस फोटो को यहाँ से सेव करते हैं। सो सेव करने के लिए जस्ट आपको सेव पे क्लिक करना है एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ एंड आई नो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, जो भी बैकग्राउंड पेंट मैंने इस एडिटिंग में यूज़ किए हैं सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के। सो वहाँ से आप इजिली जाकर डाउनलोड कर सकते हो एंड आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।